राधिका अपनी माँ कामना और अपने पिता राकेश के साथ रहती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका अपनी माँ कामना के साथ बाजार जा रही थी, तभी राधिका के कानों तक एक आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ आपने कुछ सुना? नहीं राधिका, मैंने कुछ नहीं सुना। माँ गाने आपने सुना नहीं क्या? मेरा तो बहुत मन कर रहा है डीजे पर नाचने का। चुप कर, जब देखो तब बोलती है नाचना है नाचना है। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है मैं इंसान को नहीं बल्कि नागिन को पैदा किया है। जैसे नागिन बिन के धुन पर पागलों की तरह नाचने लगती है, ठीक उसी तरह तू भी गाना सुनते ही नाचने लगती है। शादी की उम्र हो गई है लेकिन बच्चों की तरह नाचना अभी तक खत्म नहीं हुआ इसका। माँ अभी भी तो मैं बच्ची हूँ। राधिका अपनी माँ से आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही गाने की आवाज़ और तेज होने लगती है। राधिका अपने आप पर काबू नहीं रख पाती, उसके पैर झूमने लगते हैं और कमर लचकने लगते हैं। तभी राधिका ना इधर देखती है ना उधर देखती है और नाचने लगती है। ये सब देखकर कामना को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद राधिका जब अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आप मुझे वहाँ अकेले क्यों छोड़कर आ गई? मैंने कहा था ना मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ माँ, गुस्से में क्यों लग रही हो? देख बेटा, तुझे तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, मगर मुझे तो है ना, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुकी और मैं घर चली आई। अच्छा माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। आराम करने जा रही अपने कमरे में या फिर से नाचने जा रही है? माँ मैं नाच कर आ गई हूँ, इसलिए मैं थक गई हूँ। जब इंसान थका होगा तभी तो आराम करेगा। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली जाती है और वही कामना अपनी बेटी के इस हरकत से परेशान हो जाती है और फिर वो ठान लेती है कि वो अपनी बेटी की शादी करवा के रहेगी। शाम को जब राकेश घर आता है तभी कामना राकेश को सारी बातें बता देती है और उसे बोलती है, देखिए जी मैं कहती हूँ हमें राधिका की शादी करवा देनी चाहिए। अगर हमने शादी नहीं करवाई तो फिर किसी न किसी दिन ये लड़की जरूर हमारी नाक कटवा कर रहेगी, और वैसे भी वो शादी लायक हो चुकी है और हमें इसके हाथ पीले करवा देना चाहिए। पर कामना, क्या गारंटी है वो शादी के बाद सुधर जाएगी? जी, इसके सर पर जब जिम्मेदारियां होंगी तो फिर अकल अपने आप ठिकाने पर आ जाएगी। अब आप राधिका के रिश्ते की बात चलाएंगे या नहीं? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं राधिका के रिश्ते की बात चलाता हूँ। राकेश कामना की बात मान लेता है और हर जगह अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाता है और फिर ऐसे ही बहुत जल्द राधिका का रिश्ता एक अच्छे लड़के से तय हो जाता है। उसका नाम अमर था और फिर कुछ ही देर में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है और शादी की रात भी आ जाती है। राधिका के शादी वाले दिन डीजे बज रहे थे, मगर राधिका ने खुद को बहुत कंट्रोल कर रखा था। तभी अमर का एक दोस्त कार्तिक स्टेज पर आता है, फिर राधिका और अमर का हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हुए बोलता है, अमर चल ना चलकर डांस करते हैं, कितना अच्छा लगेगा जब दूल्हा दुल्हन डांस करेंगे, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी राधिका मन में बोलती है, हाय भाई अभी तक तू कहाँ था, मुझे तो लगा था मैं अपनी शादी में डीजे पर डांस ही नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। भाभी आप चलिए, ये तो डीजे पर जाने से रहा, आप जब डांस करोगी क्या पता ये भी आ जाए डांस करने के लिए। अरे भाई तू देख ना, तेरी भाभी ने कितना हैवी लहंगा पहना हुआ है, वो कैसे डांस करेगी, इसलिए मैं तुझे मना कर रहा हूँ। क्यों राधिका, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये क्या खास सही बोल रहे हैं, भगवान जी कुछ तो कहिए, मुझे डीजे पर डांस करना है। अमर ये ठीक नहीं है, अगर तूने डीजे पर भाभी के साथ डांस नहीं किया तो फिर मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊँगा। कार्ति की ये बात सुनकर अब ना चाहते हुए भी अमर को अपनी वाइफ राधिका के साथ डीजे पर डांस करना पड़ता है। पहले तो राधिका आराम से डांस करती है, मगर जैसी ही डीजे की आवाज़ तेज होती है वैसी ही राधिका अपना शर्म लिहाज छोड़कर डीजे पर और जोर जोर से डांस करने लगती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग राधिका को देखने लगते हैं। जब इस बारे में राकेश को पता चलता है राधिका डीजे पर जोर जोर से नाच रही है, तो फिर वो डीजे बंद करवा देता है और बोलता है, सॉरी गाइस रात के 10 बज गए हैं, जैसे कि तुम्हें पता है सरकार रात के 10 बजने के बाद डीजे अलाउड नहीं करता, इसलिए हम शादी की बाकी रस्मों को पूरा करते हैं। वहीं पर खड़ी राधिका अपने मन में बोलती है, पापा मैं जानती हूँ आपने डीजे क्यों बंद करवाया है, मगर कोई बात नहीं, आप मुझे बस कुछ देर तक ही रोक पाएंगे, उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगी, मैं अपने ससुराल में कुछ भी करूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होगा।
राधिका ये सब सोचकर स्माइल कर रही होती है और फिर कुछ ही देर में पूरी विधि विधान के साथ राधिका अमर के साथ सातों बंधन में बन जाती है। राधिका शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी को काफी अच्छे से संभाल लेती है और फिर कुछ दिनों बाद रिसेप्शन होता है। वहाँ राधिका बैठकर सबको डांस करती हुई देख रही थी तो फिर उसका भी मन डांस करने का हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी उसके बगल में अमर आकर बैठ जाता है। उसे देखकर राधिका कहती है, अमर जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो डीजे बज रहा है, क्या मैं डीजे पर नाच लूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें यहाँ लोग देखने आए हैं और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं डीजे पर नाचना चाहती हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम डीजे पर डांस नहीं करोगी। करने दो ना डांस प्लीज, मेरे पैर अपने आप मटक रहे हैं अमर जी। बस राधिका बस भी करो। प्लीज अमर जी जाने दीजिए। अमर राधिका की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर मासूमियत देखकर उसे डीजे पर नाचने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद राधिका डीजे पर जाकर अपना कमाल दिखाती है। इसी तरह राधिका का रिसेप्शन निपट जाता है और फिर देखते ही देखते 3 महीने का समय गुजर जाता है। और फिर एक दिन अमर अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ कल मेरे ऑफिस में पार्टी है और सभी अपनी अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, तो फिर मैं भी कल राधिका को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा, बहू को बोल दियो कल वो समय से तैयार रहे। हाँ माँ, मैं उसके पास जाकर बोलने वाला था मगर सोचा मैं पहले आपको बता दूँ। इस बात से अनजान अमर की राधिका को डीजे पर नाचने का बहुत शौक है, वो अपने साथ राधिका को अपने ऑफिस में ले जाने की सोचता है और फिर वो उसके पास जाकर उसे बोलता है, राधिका कल मेरे ऑफिस में पार्टी है, मैं चाहता हूँ कल तुम अच्छे से तैयार होकर रेडी रहो। तभी राधिका अपने मन में बोलती है, पार्टी मतलब डीजे, मजा ही आ जाएगा। क्या हुआ राधिका, क्या बड़बड़ा रही हो तुम? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। राधिका कल होने का इंतजार कर रही थी और फिर थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह अमर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोपहर को अमर और राधिका दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ राधिका देखती है वहाँ पर बहुत बड़ा डीजे लगा हुआ होता है। डीजे को देखकर राधिका मटकने लगती है। उसको ऐसे मटकते देखकर अमर कहता है, देखो राधिका ये मेरी ऑफिस की पार्टी है, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर अपना जलवा दिखाओ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ सकती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ तुम डीजे पर डांस नहीं करोगी। अमर साफ साफ लफ्जों में उसे डांस करने से मना कर देता है और राधिका मान भी जाती है। तभी वहाँ पर अमर की बॉस की वाइफ अपने हाथों में ड्रिंक लेकर आती है और फिर जबरदस्ती राधिका को पिला देती है। ड्रिंक पीने की वजह से राधिका को नशा चढ़ जाता है और फिर वो नशे में ना तो अपने पति की सुनती है और ना तो किसी और की, और फिर वो सीधा डीजे पर जाकर नाचने लगती है। उसे इस तरह से डांस करते हुए अमर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उसे वहाँ से अपने घर ले जाता है। राधिका को नशे की हालत में देखकर अमर की माँ अमर से कहती है, बेटा ये क्या, पार्टी से तू इतनी जल्दी आ गया और बहू इस तरह से बड़बड़ा क्यों रही है? माँ इसको मेरे बॉस की वाइफ ने ड्रिंक पिला दिया है इसलिए ये इतना बड़बड़ा रही है और अपना होश गवा बैठी है। अरे ऐसे कैसे पिला दिया, कोई सेंस है या नहीं? किसी के घर की बहू को कुछ भी पिला दिया उसने, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उसके अंदर अकल भी है कि नहीं? माँ बस करो अभी, आप शांत हो जाओ प्लीज। अमर राधिका को उसके कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। अमर नहाने के लिए जा ही रहा होता है तभी लेटी हुई राधिका अमर का हाथ पकड़ती है और उसे नशे में बोलती है, अमर जी मैंने नहीं पी, मुझे सच्ची मुच्ची किसी ने जबरदस्ती पिलाया था। मैं डांस भी नहीं करना चाहती थी मगर नशे में खुद को मैं रोक नहीं पाई। सॉरी अमर जी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं राधिका, अभी तुम आराम से सो जाओ। अमर को पता था राधिका की कोई गलती नहीं है और बस इसलिए अमर राधिका को कुछ नहीं कहता और उसे माफ कर देता है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। सीमापुरी दिल्ली का एक ऐसा शहर जहाँ कूड़े का ढेर और बेरोजगारी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी ही जगह पर नेहा और सुगंधा नाम की दो सहेलियाँ रहा करती थी। सीमापुर बस्ती में सभी लोग गरीब थे और उनकी गरीबी का कारण था कम वेतन और बेरोजगारी। उन लोगों को अगर एक समय का खाना भी मिल जाए तो उनके लिए गनीमत होती थी, क्योंकि कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। नेहा और सुगंधा अक्सर ही इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए तरीके सोचती रहती थी, परंतु कम साधन और पहुंच होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाती थी।
आखिर कैसी जिंदगी है ये हमारी, जी भी रहे हैं या नहीं ये भी नहीं पता चलता। इंसान को जीने के लिए तीन वक्त के खाने की जरूरत होती है और हम यहाँ तीन तीन दिन तक भूखे रह जाते हैं। आखिर भगवान को हमसे दुश्मनी क्या है? भगवान को नहीं बल्कि इंसानों को ही हमसे दुश्मनी है, और वो भी अमीर इंसानों को। वो हम जैसे बस्ती वालों को काम ही नहीं देना चाहते, इसलिए हम लोग गरीबी में जीते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। तू सही कह रही है, ना तो हमारे बारे में ये नेता लोग सोचते हैं और ना ही ये देश की समझदार जनता। नेहा सुगंधा अक्सर ही ऐसी बातें किया करते थे। एक दिन नेहा को बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि वो काफी दिनों से भूखी थी। तभी सुगंधा उसके पास भागती हुई आती है। अरे जल्दी उठ, जल्दी चल मेरे साथ। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है? वैसे ही मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, यहाँ खड़े होने की हालत नहीं है और तू जल्दी चलने की बात कर रही है। अरे तेरी भूख का ही इलाज लेकर आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। अभी जब मैं उन अमीरों की बस्ती में कचरा बिनने गई थी, तभी मैंने देखा कि वहाँ किसी सेठ के यहाँ पर बड़ी दावत चल रही है और शायद अभी भी चल रही होगी। इतने लोगों की भीड़ में हमें कोई नहीं पहचानेगा और हमें खाना खाने के लिए मिल जाएगा। बस तू जल्दी मेरे साथ चल। खाने का नाम सुनकर नेहा के अंदर अलग ही जोश आ जाता है और वो सुगंधा के साथ जल्दी से उस जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ सच में ढेर सारा खाना था। इतना सारा खाना देखे हुए तो बरसों हो गए। ये खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। जल्दी जल्दी सब कुछ प्लेट में भर लेते हैं, जितना खाया जाएगा ठीक है और बाकी जो बचेगा वो घर ले जाएंगे। दोनों सहेलियां प्लेट में खाना भरने लगती हैं कि तभी एक औरत उन्हें देख लेती है और कहती है, इतनी वेल मैनर्ड सोसाइटी में ये दो कचरे वाली कहाँ से आ गई? अरे तुम दोनों कौन हो? मैंने ये पार्टी अमीरों और हाई क्लास लोगों के लिए रखी है, तुम जैसे कचरे वालों के लिए नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैडम हम तीन दिन से भूखे हैं और खाने की तलाश में हमें ये जगह दिख गई। हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हम यहाँ से खुद चले जाएंगे। अरे ये लोग बहुत ही ढीठ और बदतमीज होते हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें रस्सी से बांध कर मारो और सबक सिखाओ, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी और अगली बार यहाँ आने की सोचेंगे भी नहीं। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके बाद सेठानी के नौकर नेहा और सुगंधा दोनों को बांधकर उनकी काफी पिटाई करते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। भूखे पेट ऐसे ही चोट खाकर दोनों सहेलियाँ बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। न जाने ये अमीरों का कलेजा कैसा होता है, हम जैसे बेचारे बच्चों को पीट दिया जबकि हमने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, केवल खाने की ही तो मांग की थी। ये अमीर ऐसे ही होते हैं, बेशक बाल्टियां भर भर के खाना फेंक देंगे, लेकिन हम जैसे गरीब अगर मांगे तो उन्हें लात मार कर भगा देते हैं। ना जाने भगवान हमें किस बात की सजा दे रहे हैं, इससे अच्छा तो वो हमें अपने पास ही बुला लेते। तू चिंता मत कर नेहा, अगर हम इतनी तकलीफ सह रहे हैं मतलब भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा सोच रखा होगा। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। एक दिन सुगंधा और नेहा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर जाती हैं। यहाँ तो आसपास कोई भी सूखा पेड़ नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं, आगे सूखे पेड़ भी मिल जाएंगे और आगे शहर का भी रास्ता है। वैसे भी गांव में लकड़ियां बेचकर हमें इतने पैसे नहीं मिलते, अगर शहर में बेचेंगे तो कुछ रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। बात तो तेरी सही है। इसके बाद दोनों सहेलियां थोड़ा आगे बढ़ती हैं और उन्हें सूखे पेड़ मिल जाते हैं। वो उन्हें काटने लगती हैं, तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई है क्या, बचाओ मुझे। दोनों सहेलियां इस आवाज का पीछा करने लगती हैं, तभी वो पेड़ के पीछे से देखती हैं कि दो चुड़ैलों ने एक परी को पिंजरे में कैद कर रखा है और वो जोर जोर से हंस रही है। अब इस परी का खून पीकर हम दोनों हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी और हम दोनों इस परी की तरह खूबसूरत भी हो जाएंगी। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और साथ ही साथ हमारे पास इसकी ये जादुई छड़ी भी है, इसे मार कर तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कोई है, कोई तो मेरी जान बचाओ। परी की ऐसी हालत देखकर सुगंधा और नेहा को उस पर दया आ जाती है और वो अचानक से ही चुड़ैल पर पीछे से हमला कर देती हैं। कुल्हाड़ी की चोट से दोनों चुड़ैले बहुत ज्यादा घायल हो जाती हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगती हैं।
हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। पहले परी की छड़ी वापस करो। चुड़ैल बिना सोचे समझे वो छड़ी सुगंधा के हाथों में दे देती है और इसके बाद दोनों चुड़ैल डरकर वहाँ से भाग जाती हैं, जिसके बाद नेहा और सुगंधा मिलकर परी को उस पिंजरे से आजाद कर देती हैं और उन्हें उनकी वो छड़ी दे देती है। आप ठीक तो है ना परी जी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो भी तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों सच में बहुत ही बहादुर हो, तुमने इन दोनों चुड़ैलों का सामना कर लिया, वो भी बिना किसी जादुई शक्ति के। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये सुनकर दोनों सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। तभी नेहा परी से पूछती है, वैसे आप तो परी हैं, आपके पास इतनी सारी शक्तियाँ होंगी, फिर आप इन दोनों चुड़ैलों की कैद में कैसे आ गई? मैं वन बिहार के एक परी लोक से धरती लोक पर आई थी और मेरी सारी शक्तियाँ मेरी जादुई छड़ी में बसती हैं। इन दोनों चुड़ैलों की नज़र मुझ पर थी। अचानक एक पेड़ पर मेरी छड़ी फंस गई और वो मेरे हाथ से छूट गई। वो मौका देखते ही इन लोगों ने मुझे कैद में बंद कर दिया और मेरी छड़ी मुझसे छीन ली, परंतु तुमने आकर मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये दोनों मुझे बस मारने ही वाली थी। ये तो हमारा फर्ज बनता है परी। मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी हमारी बस्ती गरीबी से भरी पड़ी है, हमारी बस्ती में हर कोई गरीब है और गरीबी के कारण दुखी भी है। किसी को एक टाइम का खाना मिल पाता है तो किसी को वो भी नहीं। क्या आप हमारी पूरी बस्ती की गरीबी दूर कर सकती हैं? मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन गरीबी दूर करने का केवल एक ही मंत्र है और वो है मेहनत। तुम्हारे बस्ती वालों को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, उससे ही उनकी गरीबी दूर होगी। मेहनत करने के लिए काम भी तो होना चाहिए ना, हमारी बस्ती में कोई काम ही नहीं है और ये अमीर लोग हम जैसे बस्ती वालों को काम नहीं देते। अब आप ही बताइए कैसे हम ये गरीबी दूर करें? परी कुछ सोचती है और फिर अपनी छड़ी को घुमाती है और एक जादुई लहंगा और सैंडल प्रकट करती है और उसे नेहा और सुगंधा को देते हुए कहती है, ये लो ये जादुई सैंडल और जादुई लहंगा है। पर इससे हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? ये जादुई सैंडल और जादुई लहंगा अपनी ही तरह तुम्हें और भी नई नई तरह के लहंगा और नई नई तरह के सैंडल देते रहेंगे और तुम इन लहंगे और सैंडल को बाजार में बेचकर पैसे कमा सकती हो। सारी बातें समझाकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। इसके बाद सुगंधा और नेहा वो जादुई सैंडल और जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है परी सच कह रही थी? ये तो इस जादुई लहंगे और जादुई सैंडल को आजमा कर ही पता चलेगा। इसके बाद नेहा और सुगंधा जादुई सैंडल और जादुई लहंगे से कहती हैं, हे जादुई लहंगे हमें ढेर सारा लहंगा दे दो, हे जादुई सैंडल हमें ढेर सारी सैंडल दे दो। उन दोनों के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे लहंगे और सैंडल का अंबार लग जाता है। इसके बाद वो दोनों उन लहंगों और सैंडल को बाजार में ले जाती हैं और उन्हें बेचने लगती हैं। इतने सुंदर सुंदर लहंगे और सैंडल होने के कारण उन्हें बिकने में समय नहीं लगता और उन दोनों की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। परी तो सच में बहुत ही कमाल की निकली। हाँ सुगंधा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, परी ने हमें सच में बहुत ही कमाल की चीज दी है। अब हम इसका इस्तेमाल अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरी बस्ती की गरीबी दूर करने के लिए करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके सुगंधा और नेहा कपड़ों की एक होलसेल दुकान और फैक्ट्री खरीद लेती हैं, जिसमें वो अपने सभी बस्ती वालों को रोजगार दे देती हैं। उनके कपड़े और सैंडल की क्वालिटी अच्छी होने के कारण उनका सामान काफी अच्छे दामों में बिकने लगता है। साथ ही साथ उनके डिजाइन नए होने के कारण मिडिल क्लास से लेकर अमीर लोग भी उन्हें खरीदने लगते हैं और इस तरह सुगंधा और नेहा मिलकर उस जादुई लहंगा और जादुई सैंडल की सहायता से अपनी पूरी बस्ती को गरीबी से बाहर लाने की एक जंग छेड़ती हैं और साथ ही साथ उस परी का भी धन्यवाद करती हैं।